कल की क्लास में हम लोगों ने 5.1 के सातवें क्वेश्चन तक कर लिए थे ना। आज अपन लोग आठवें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे कराने के बाद कम से कम खुद तो प्रैक्टिस किया करो। केवल इस वीडियो को देखने से बात नहीं बनेगी। तो मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर आठवां। आपको कह रहा है कि यदि a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 tan alpha - tan alpha 1। ये तो आपको a बराबर दिया हुआ है, तब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? at मतलब a का ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स बराबर कितना आना चाहिए, cos 2 alpha, ठीक है, -sin 2 alpha, ठीक। अच्छा, sin 2 alpha cos 2 alpha, ये हमें सिद्ध करना है भाई। जबकि a बराबर इतना दिया हुआ है, तो a का ट्रांसपोज ज्ञात करने में तो हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका ट्रांसपोज फटाक से हो जाएगा, तीसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और फिर भी याद दिला देता हूं। रो को कॉलम बना देते हैं ना, तो वो तो a का ट्रांसपोज हो जाएगा। आवश्यकता है हमें a इनवर्स की, ठीक है। तो a इनवर्स ज्ञात करते हैं। आपको मालूम है, उन्हें लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, कि भाई a इनवर्स बराबर क्या रहा करता है। a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे सारणिक a। तो a इनवर्स के लिए हमें कई कई चीज की आवश्यकता है, एडजॉइंट a की और सारणिक a की। तब सबसे पहले तो आप सारणिक a ज्ञात करो। देखो, हमें यह सिद्ध करना है at इंटू a इनवर्स, तो हमें at चाहिएगा और a इनवर्स चाहिएगा। at तो हम फटाक से ज्ञात कर देंगे उसी टाइम पे ही। बात a इनवर्स की है, a इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, एडजॉइंट a बटे सारणिक a से। तो ये दोनों चाहिए, जब जाके तो a इनवर्स आएगा, फिर इसको इसमें जमा देंगे LHS में, तो सारणिक a। इसके लिए जो राशियां चाहिए उनको ज्ञात किया जा रहा है। सारणिक a ज्ञात कर रहा हूं, फिर एडजॉइंट a ज्ञात करूंगा। सारणिक a, a की सारणिक कहां है, a ये रहा 1 tan alpha - tan alpha 1। इस सारणिक का मान इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 1 - (-10^2) है, तो +10^2 alpha, ठीक है। सारणिक a का मान आ चुका है 1 + 10^2 alpha। अब हमें चाहिए एडजॉइंट a। एडजॉइंट a के लिए एडजॉइंट a रहा करता है सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सहखंड मतलब a11 a12 a21 और a22, ये होता है। इसका ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, एडजॉइंट a कहलाएगा। तो इनके मान चाहिए फिर तो हमें एडजॉइंट a के लिए, कर देते हैं। अतः a11, ध्यान है क्या, a11 कैसे ज्ञात करते थे,
रो हटा दो कॉलम हटा दो, 2 बाई 2 की में तो यही आ जाता है बस, रो हटा दो कॉलम हटा दो, 1। इनका योग ध्यान है -1 की पावर आई प्लस जे रहता है जो, तो योग इनका सम है इसलिए ज्यों के त्यों रहेगा। अगर ज्यों के त्यों मतलब चिन्ह ज्यों के त्यों, प्लस का चिन्ह तो प्लस का ही रहने देंगे। यदि ये योग एक और एक दो बैठ रहा है, अगर इनका योग जो है ना, इन दोनों का योग अगर विषम बैठ रहा होता तो चिन्ह बदलते थे इस जगह पे, देखो इस जगह पे, जैसे अगले में A1 2, ठीक है, ये तो है 1 2 एलिमेंट, कॉलम हटा दो रो हटा दो, क्या बचा -10 अल्फा, -10 अल्फा, परंतु योग इनका विषम आ रहा है 1 और 2 का, ठीक है, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर दिया है ना। अच्छा A21 एलिमेंट ये है, इसका सेकंड इसके कॉलम और रो हटाने से प्राप्त होगा कौन, 10 अल्फा। चूंकि योग विषम है इनका, दो रेख का योग विषम है, इसलिए इसके आगे क्या माइनस। अब आओ A22 पर, ठीक है, ये 2 2 एलिमेंट है, कॉलम हटा दो रो हटा दो, क्या आ जाएगा 1। योग सम है इसलिए जो चिन्ह आया है वही रहने दिया जाएगा। A11, A12, A21, A22 चारों अब ये प्राप्त हो गए हैं, तो एडजॉइंट ए इनसे बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किनसे बनी, सहखंडों से। तो देखो A11 1, A12 10 अल्फा, A21 -10 अल्फा और ये 1, इसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज कर दो 1 10 अल्फा को, यूं लिख दो 1 10 अल्फा, -10 अल्फा को यूं लिख दो -10 अल्फा और 1, एडजॉइंट ए आ गया है भाई, सारणिक ए भी आ गया है, ए इनवर्स आ जाएगा, अतः ए इनवर्स बराबर, ठीक, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, एडजॉइंट ए तो यही है 1 -10 अल्फा 10 अल्फा 1 और बटे में सारणिक ए। भाई इस सूत्र में जमा रहा हूं मैं, हमें सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है कि हमें चाहिए एटी और ए इनवर्स, तो एटी तो आसान बात है, इसका ट्रांसपोज, बात ए इनवर्स की है, तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए से, तो ए इनवर्स में हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ गई, सारणिक ए की और एडजॉइंट ए की, तो पहले तो सारणिक ए ज्ञात कर लिया और फिर एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया, ये तो एडजॉइंट ए और ये सारणिक ए, जब दोनों ज्ञात हो गए तो इस सूत्र में रख रहे हैं एडजॉइंट ए तो ऊपर नीचे सारणिक ए, 1 + 10 2 अल्फा नीचे आ गया, ठीक है, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऊपर से, आप लिख लेना बाद में। तो ए इनवर्स आ गया, अब देखो
ए इनवर्स ये है ये, ठीक है, और ए टी अपन यहां से ज्ञात कर देते हैं। ए इनवर्स आ गया, इसके नीचे वाला लिख रहा हूं मैं, तब एल एच एस क्या चीज है, एल एच एस ए टी इंटू ए इनवर्स, ए टी की वैल्यू तो इसका ट्रांसपोज वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा और वन, ये तो ए टी, और ए इनवर्स ये वाला रख रहा हूं वन माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा वन अपोन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा अब इनका गुणा, गुणा देखो, ये अपोन में पूरा, ये तो मैं आगे आगे लिख रहा हूं वन अपोन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों का गुणा, रो का कॉलम से होता है तो वन माइनस टेन अल्फा का इससे करो, रो का कॉलम से, वन का तो वन से और माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इससे करो, इसका इससे, तो माइनस टेन अल्फा और माइनस टेन अल्फा, लिख दूं क्या, जगह कम बच गई यार, माइनस टू टेन अल्फा, इसका इससे करो तो टेन अल्फा और ये भी टेन अल्फा, बीच में प्लस का चिन्ह आता है, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, रो का कॉलम से तो टू टेन अल्फा, इसका यहां करो तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और वन, तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अंदर ले जाते हैं प्रत्येक अवयव के साथ तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसके संग ले जाओगे तो माइनस टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसके संग करो तो टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यहां करो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये सब के सब सूत्र हैं भाई, ये तो कॉस टू अल्फा का, ये माइनस को छोड़ के साइन टू अल्फा का, ये साइन टू अल्फा, ये कॉस टू अल्फा रख रहा हूं मैं, ये तो कॉस टू अल्फा, ये माइनस साइन टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा, और ये कॉस टू अल्फा, आ गया ये वाला, ठीक है। क्या प्रोसेस रहा था, ए इनवर्स ज्ञात किया था हमने एडजॉइंट ए बटे सारणी के से, फिर जब ए इनवर्स आ गया तो एल एच एस स्टार्ट कर दिया, ये तो ए का ट्रांसपोज है जो सीधा सीधा ले दिया, सीधा यहां से इसका ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इतना है, ये तो एडजॉइंट ए था, ये सारणी के था, हल कर दिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आठवा, ये मैं क्वेश्चन नंबर दसवा करा रहा हूं, नवा बिल्कुल इसके के जैसा ही है ना, तो क्वेश्चन नंबर दसवां देखो, आपको ए बराबर तो ये दे रखा है, तो सिद्ध करो
एक तो ये समीकरण सिद्ध करना है और इसी की सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो पहले ये लिख लेते हैं जो सिद्ध करवा रहा है, एलएचएस से। क्या है एलएचएस? ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर ए स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं आप, a का a से गुणाई तो होगा, यहां तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मतलब माइनस 8 5 2 4 गुणा माइनस 8 5 2 4 ये तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस 4a a माइनस 8 2 5 4 माइनस 42i माइनस दिखेगा और नहीं शायद 42i वन जीरो जीरो वन, ठीक बात है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 4a, उंगली रखने का मतलब है यहां चल रहा हूं अब 4a माइनस 42i। अच्छा इनका गुणा करना है और पूरा कंप्लीट जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, इनका गुणा करो रो का कॉलम से तो होगा, रो का कॉलम से तो कितना 64 प्लस 10 इसका इससे गुणा, फिर इसका यहां करो माइनस 40 प्लस 20 फिर इसका इससे और इससे दोनों से माइनस 16 प्लस 8 फिर इस रो का इस कॉलम से 10 प्लस 16 ठीक है सही है प्लस 4 का अंदर गुणा कर रहा हूं प्रत्येक अवयव से माइनस के 32 प्लस के 20 प्लस के 8 और प्लस के 16 माइनस ये गुणा 42 जीरो जीरो 42 ठीक है। चाहो तो आप पहले इसमें से इसको घटा के लिख लो और इनको संग संग जोड़ लेते हैं, ये आए 64 और 10 कितना आ जाएगा भाई 74 20 माइनस 40 माइनस के 20 माइनस 16 प्लस 8 माइनस के 8 और 10 प्लस 16 26 ठीक है। इसमें से इसको घटा के लिख लो प्लस माइनस 32 और माइनस 42 माइनस के 74 20 माइनस 0 20 8 माइनस 0 8 16 माइनस 42 माइनस के 26 इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ना 74 प्लस माइनस 74 जीरो ही तो आएगा माइनस 20 प्लस 20 जीरो सब जीरो ही आ गए भाई इसको जीरो नहीं है ये जीरो से थोड़ा बड़ा नल मैट्रिक्स बोलते हैं ओ है वैसे है ना आ गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आई का मान सिस्टम से क्या करो क्वेश्चन को इस तरीके से अब इसका शेष जो भाग है
इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसकी हेल्प से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो हमें मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस चार ए माइनस 42 आई बराबर जीरो मैट्रिक्स। क्या करना है आपको इसमें, ए इनवर्स का गुणा करना है अग्रगुणन, ठीक है। ऐसे समीकरण से ए इनवर्स ज्ञात करने का क्वेश्चन एक दो बार देखा है मैंने, आ चुका है, ध्यान से समझ लेना। ए इनवर्स का गुणा, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस चार ए इनवर्स ए माइनस 42 ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स ओ, ए इनवर्स का अग्रगुणन कर दिया, ठीक है। ए इनवर्स का अग्रगुणन, अच्छा यहां देखो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए तो है, तो ए इनवर्स ए ना इसमें आई बन जाएगा, एक ए तो बच जाएगा, एक जो ए इनवर्स ए है वो क्या बन जाएगा आई, और एक ए बच जाएगा, समझ गए क्या। ए इनवर्स और यहां से एक ए क्या बन जाएगा आई, और फिर भी एक ए बच गया, प्लस चार आई माइनस 42 ए इनवर्स आई, और ये तो जीरो से गुणा होगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स से, तो जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी। यहां क्या तर्क रहा कि भाई ए इनवर्स इंटू ए आई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करो वही मैट्रिक्स आएगी, यूनिट मैट्रिक्स है ना आई। इसको तो एक की तरह समझो आप, तो i इंटू ए ए प्लस चार i माइनस 42 ए इनवर्स i का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसा, इसको भी चार लिख देते ना, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बनी रहेगी, ये तो संख्या हो जाती है अगर i गुणा चार चार लिख देते तो, बराबर जीरो मैट्रिक्स। यहां से देखो आप 42 ए इनवर्स अगर उधर ले जाते हैं, ए प्लस चार आई बराबर 42 ए इनवर्स, तो यहां से ए इनवर्स बराबर देखना जरा 42 तो बटे में, एक बटे 42 ए इनवर्स के बराबर 42 तो बटे में, और a प्लस चार आई बना, a प्लस चार आई, अतः a इनवर्स बराबर एक बटे 42 और ब्रैकेट मझला लगा देते हैं, नहीं तो ये भी मैट्रिक्स से प्रतीत हो जाएगा, a मैट्रिक्स माइनस 8 5 2 4 प्लस 4 आई 1 0 0 1, ठीक है। ए इनवर्स बराबर एक बटे 42 और ये दोनों मैट्रिक्स जोड़ देता हूं मैं चार का अंदर गुणा करके, भाई प्लस का 4 होगा और माइनस का 8 होगा, तो माइनस का 4 निर्धारित रहा, 4 गुणा 0 करेंगे तो यहां तो 0, तो 5 प्लस 0 समझो यानी कि 5, 2 प्लस 4 गुणा 0 0 समझो तो 2, 4 प्लस 4 बनेगा ये है ना, 4 प्लस 4 तो 8 आया, ये ए इनवर्स हो गया भाई,
इस दिए हुए समीकरण की सहायता से। 5.1 के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, एग्जाम्पल भी सरल ही है बिल्कुल इसके, ठीक है, क्वेश्चन पर आधारित ही है। मैं 5.2 स्टार्ट कर रहा हूं। 5.2 में सारणिक के अनुप्रयोग हैं कि भाई सारणिक और मैट्रिक्स के उपयोग क्या हैं, तो मैं एक एक करके उपयोग लिखूंगा। सबसे पहला उपयोग है, पहले तो बोल देता हूं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, बिंदु है ना, तीनों बिंदु उनके निर्देशांक दिए हों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से निकाला जा सकता है। कैसे? यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री हो, तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री हो ना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई यहां लिख रहा हूं, 1/2 एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। जैसे कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 2.0 -1.4 व 3.-2 हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे पूछता है। तो क्या रहेगा क्षेत्रफल? 1/2 क्या रहेगा क्षेत्रफल? 1/2, और ये तो एक्स वन वाई वन, हालांकि कोई से भी एक्स वन वाई वन मान लो तुम, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। अगर चिन्ह से मतलब है, जैसे मान लो इसको एक्स वन वाई वन माना, जब आया उत्तर 17, और इसको एक्स वन वाई वन मानेंगे तो -17 आ सकता है, बस 18 नहीं आ सकता है। मर्जी है जिसको एक्स वन वाई वन मान सकते हैं, तो खाम का पचेड़ा क्यों, वो शुरू से मान लो, ये तो एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स थ्री वाई थ्री, ये तो एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, -1 4 1 और एक्स थ्री वाई थ्री वन 3 -2 1। अब आप सारणिक का क्षेत्रफल, सॉरी सारणिक का मान निकाल दो, उससे क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/2 जानते ना निकालना मान, तो 2 रो हटा दो, कॉलम हटा दो, सारणिक का मान इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 4 -2 6 हो गए भाई, 4+2 बैठेगा। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, परंतु 0 इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब 0 ही होना है। फिर +1 ये वाला, रो हटा दो कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो -2 × -1 2 -12 है, 2 - 12, ठीक है, कितना आया
एक बटे दो, चार दो छह दो बारह और माइनस के दस रहा शायद। बारह माइनस दस दो बटे दो कितना आया, एक वर्ग इकाई। ठीक है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देख लो आप एक बार। के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, जबकि शीर्ष ये दे रखे हैं। के का मान ज्ञात करना है, ऐसे लिख रहा है, जबकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो 35 वर्ग इकाई है तथा शीर्ष 4, ठीक है, के कोमा 4, 2, -6 और तीसरा शीर्ष है 5, 4। तीसरा शीर्ष है 5, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई और शीर्ष ये हैं, तो के का मान ज्ञात करवा रहा है। अच्छा सुनो एक बात, अगर सारणिक का मान हलो के -35 आता है, सारणिक का मान यदि -35 आता है तो भी क्षेत्रफल 35, और सारणिक का मान +35 आता है तो भी क्षेत्रफल 35। सुनना क्या कर रहा हूं, जो 1/2 सारणिक है ना, उसका मान अगर -35 आता है तो भी उत्तर +35 लिखा जाएगा, और यदि सारणिक का मान +35 आता है तो भी उत्तर +35 लिखा जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल अगर 35 वर्ग इकाई है तो आवश्यक नहीं है कि सारणिक का मान प्लस का आया हो, माइनस का भी आ सकता है। मेरा मतलब है मैं अभी अभी क्षेत्रफल के बराबर, सॉरी सारणिक के बराबर +-35 लिखने वाला हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 1/2 है ना, x1 y1 1 k 4 1 2 -6 1 5 4 1 बराबर 35, पर आवश्यक नहीं है प्लस ही आया हो, माइनस भी संभव है। सारणिक का मान प्लस आया होगा तब भी ये आंसर लिखा गया होगा, और माइनस आया होगा तब भी ये आंसर लिखा गया होगा। अच्छा अब इसको हल कर लो आप, 1/2 के ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, -6 -4 -4 ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, 2 -5 और +1 कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 8 -30 माइनस का तो +30 बराबर +-35। 1/2 का 2 उधर चला जाएगा तो ये तो +-70 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब यहां देखो माइनस छह और माइनस चार माइनस दस के, दो माइनस पांच माइनस तीन गुणा ये प्लस के बार है और 110 ये आया माइनस दस के प्लस 122 आया क्या, ठीक बराबर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई गड़बड़ हो गई हो किसी चीज में के माइनस छह माइनस चार माइनस चार दो माइनस पांच प्लस एक आठ प्लस सही सा लग रहा है, चलो देखते हैं बराबर प्लस माइनस 70। अब इसके दो भाग होंगे भाई प्लस 70 के हिसाब से के का मान अलग आएगा, माइनस 70 के हिसाब से के का मान अलग आएगा, माइनस 10 के प्लस 122 बराबर प्लस का 70 अगर लेते हैं तो देखना माइनस 10 के 122 में से 70 घटा दो 30 कितने बचेंगे भाई, 30 और 22 बचेंगे, 30 और 22 हो गए 52 माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा दो से और कट जाएंगे 26 बटे 5 और यहां देखो माइनस 10 के प्लस 122 बराबर माइनस 170 तो माइनस 10 के बराबर ये इसमें जुड़ेगा ना तो माइनस 192 के बराबर दो से काटे तो नीचे तो 5 ऊपर 2 9 18 एक दो छी के बारह 96/5 गलत आगे लगता है मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है ये मिस्टेक हुई। अब दोबारा मिटाऊ या आप देख लेना, मिटाई देता हूं खैर ये 38 आता है ना 30 और 8 मैंने पता नहीं कैसे 110 लिख दिया इसको, सही कर देते हैं तभी मुझे महसूस हो रहा था कि ऐसा आंसर तो आता ही नहीं है सर इसका। माइनस 10 के प्लस 12 और ये 30 और 8 38 हुआ ठीक है तो ये आया माइनस 10 के 38 और 12 कितना बन जाएगा भाई ए 38 और 12 50 बराबर प्लस माइनस 70। अब एक बार तो प्लस 70 ले लेंगे अभी अभी देखा हमने एक बार माइनस 70 यानी कि माइनस 10 के प्लस 50 बराबर प्लस का 70 ये 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेंगे माइनस 10 के बराबर 20 के बराबर माइनस का 2 और दूसरा माइनस 10 के प्लस 50 बराबर माइनस का 70 ये उधर जाएगा तो माइनस के 120 10 के बराबर माइनस के 120 माइनस माइनस तो कट हो जाएंगे के बराबर यहां से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन हो गया। अब हम सारणिक के दूसरे उपयोग पर चलते हैं। पहला उपयोग तो क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का है ना, सूत्र याद रख लेना है। दूसरा है कि तीन बिंदु संरेख हैं या नहीं इस बात का पता भी सारणिक से किया जा सकता है, तीन बिंदु संरेख हैं या नहीं है दूसरा उपयोग है।
दूसरा प्रयोग है यदि तीन बिंदु ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री, यदि तीन बिंदु ए बी तथा सी संरेख हो, यदि तीन बिंदु ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री संरेख हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फिर जीरो, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र अभी अभी पढ़ा है ना हमने, एक्स वन बाई वन वन एक्स टू बाई टू वन एक्स थ्री बाई थ्री वन बराबर जीरो। एक बटे दो तो सारणिक कही है, इसमें जीरो में चला जाएगा, यानी कि ये शर्त आई फिर के यदि तीन बिंदु संरेख है ना तो इस सारणिक का मान जीरो रहेगा। कौन सी सारणिक का मान? एक्स वन बाई वन वन एक्स टू बाई टू वन एक्स थ्री बाई थ्री वन, इस सारणिक का मान जीरो रहेगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में से भाई, चौथा जो क्वेश्चन है वो इसी बात पर आधारित है। के का मान ज्ञात करो जबकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। के का मान ज्ञात करना है ठीक है, के का मान ज्ञात करना है जबकि तीन बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु तो है के कॉमा टू माइनस टू के, दूसरा बिंदु है माइनस के प्लस वन कॉमा टू के, माइनस के प्लस वन कॉमा टू के, और तीसरा है माइनस चार माइनस के, माइनस चार माइनस के कॉमा सिक्स माइनस टू के। ठीक है, ये आपको तीन बिंदु दे रखे हैं, सही उतारे हैं ना, माइनस के प्लस वन कॉमा टू के कॉमा टू माइनस टू के। अगर कुछ गलती भी हो गई हो तो तरीका ये रहेगा, तीन बिंदु दे रखे हैं और के का मान ज्ञात करना है, जबकि तीन बिंदु लिखित है नहीं, क्या चीजें संरेख हैं, जबकि दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं। आपको मालूम है कि जब बिंदु संरेख होते हैं, जब बिंदु संरेख होते हैं तो इस सारणिक का मान जीरो रहता है, अभी अभी पढ़ाया हमने। बराबर जीरो, तो आप जमा दो इस सारणिक में मान, बिंदु थोड़े बड़े बड़े हैं के ये एक्स वन ये बाई वन, टू माइनस टू के और वन,
एक्स टू बाई टू वन, ये एक्स टू ये बाई टू हो जाएगा, है ना। तो माइनस के प्लस वन टू के वन, फिर माइनस फोर माइनस के सिक्स माइनस टू के और वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करें से देखो, ये हटाएंगे जब के में दो घात आएगा, अब आएगा तो आएगा ही के, ये ले दिया, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, टू के माइनस टू के माइनस माइनस सिक्स प्लस टू के, फिर ये वाला लेना होगा माइनस टू, मतलब टू माइनस टू के ले लिया, जगह कम है इसलिए छोटा कर दिया मैंने थोड़ा सा, दिख रहा है क्या, ये बीच में माइनस है, दूसरा वाला माइनस का लेते हैं ना, इसलिए ये रो कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, माइनस के प्लस वन माइनस, गलती कर दी, ये मिटा के इधर ही करते हैं, आएगा नहीं काम का गजर बिजर हो जाएगी। देखो के ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, टू के माइनस सिक्स माइनस टू के, ठीक है, और ये हट गया, दूसरे नंबर का माइनस का आता है टू माइनस टू के, फिर ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, इनका गुणा माइनस का के प्लस वन, माइनस कौन सा चल रहा था, ये चल रहा था इनका गुणा माइनस फोर माइनस के, माइनस फोर माइनस के, फिर प्लस एक ये वाला, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, तो इनका गुणा दिख रहे हैं ना, माइनस इनका गुणा, इनका गुणा किन किन का, माइनस के प्लस वन और सिक्स माइनस टू के, माइनस इनका गुणा टू के माइनस फोर माइनस के बराबर जीरो। सही था क्या, टू के इंटू माइनस फोर माइनस के। अब आपको ये गुणा करके और जब के का मान निकालना है, कोई बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, चिंता मत करो ऐसे। तो देखो के ये माइनस माइनस प्लस टू के हो जाएंगे और प्लस टू के फोर के हो गए, फोर के माइनस सिक्स, यहां जाओ माइनस टू माइनस टू के। अब देखो के को देखो, प्लस के हो जाएगा, ये प्लस का के और माइनस का के तो कट जाएंगे, प्लस फोर और प्लस वन, प्लस का फाइव ही बैठा, ये तो सरल हो गया, प्लस यहां जाओ इनका गुणा माइनस छ के, दिख रहा है, दिख तो रहा है, माइनस छ के और प्लस दो के स्क्वायर, प्लस सिक्स और माइनस दो के, यहां देखो प्लस आठ के,
और प्लस 2k² बराबर 0। ये k में दुघात आएगा अगली लाइन में, k के गुणनखंड कर लेना, तब k के 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, आज इतने काफी है। कल इसकी शेष उपयोग जो है सारणी के उनको पढ़ेंगे, इन पर आधारित बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, जल्दी हो जाएंगे आपसे। इसके बाद फिर चौथे चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है।